2 दिन में 1700 किलोमीटर तय करके मैं पहुंचा गुवाहाटी, पूर्वोत्तर का मुख्य द्वार। जैसे उत्तर भारत में दिल्ली है, पूर्व में मुंबई, वैसे ही पूर्व का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण शहर गुवाहाटी। इसलिए कोई नहीं है। पूरी भारत अपनी हरियाली, जीव विविधता से भरे जंगलों, विविधता से भरे खान पान और कला व संस्कृति से समृद्ध है। गुवाहाटी माँ कामाख्या देवी के कारण भी प्रसिद्ध है। गुवाहाटी नीलांचल पर्वत पर स्थित है। यह मंदिर शक्ति की देवी सती का मंदिर है। कथा अनुसार देवी सती ने योग शक्ति से अपनी देह त्यागी तो भगवान शिव विरह पीड़ा से उनका पार्थिव शरीर लेकर घूमने लगे। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उनके देह को 51 टुकड़ों में व्यक्त किया। नीलांचल पर्वत पर उनकी योनि गिरी। योनि ने देवी का रूप धारण किया जो कामाख्या देवी कहलाई। भक्त इन्हीं कामाख्या देवी की पूजा करने आते हैं। ध्यान योग्य बात है कि कामाख्या देवी दर्शन से पूर्व महाभैरव उमानंद का दर्शन करना आवश्यक है, जो कि गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है, जहाँ रोपवे और बोट से भी जाया जा सकता है। यहाँ समाधिस्त महादेव को कामदेव ने कामबाण मार के आहत किया। समाधि से जागृत महादेव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। नीलांचल पर्वत पर ही कामदेव को पुनः जीवनदान मिला, इसलिए कामरूप के नाम से भी जाना जाता है। जैसे उत्तर भारत में कुंभ पर्व मनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ अम्बुवाची पर्व का महत्व है। इस पर्व में देवी लगातार 3 दिन तक मासिंधर करती है। रसोला होने से पूर्व सफेद कपड़ा गर्भगृह में चढ़ाया जाता है, जो कि रक्तवर्ण हो जाता है। पुजारी यह कपड़ा प्रसाद के रूप में श्रद्धालु को बांट देते हैं। यही वक्त होता है जब विश्व के सबसे प्राचीनतम तंत्र मठ आगम मठ के तांत्रिक अपनी साधना करने तिब्बत से आते हैं। इस पर्व पर भारत ही नहीं बल्कि बांग्लादेश, तिब्बत और अफ्रीका से भी तंत्र साधक आते हैं। वाम वर्ग साधना का तो यह सर्वोच्च पीठ स्थल है। दर्शन का समय सुबह 8 से 1 है, दोपहर में 2:30 से 5:30। आमतौर पर 3 से 4 घंटे में दर्शन हो जाते हैं, किंतु 500 रुपये में VIP देकर 10 से 15 मिनट भी दर्शन उपलब्ध हो सकते हैं। मान्यता है कि जो श्रद्धालु भक्तगढ़ जीवन में 3 बार दर्शन कर लेते हैं, उनके सांसारिक भव बंधन से मुक्ति हो जाती है। मान्यता है कि कामाख्या मंदिर में पूजा करके काला जादू, वशीकरण, पुत प्राप्ति, ग्रह दोष निवारण किया जाता है। इसके अलावा मंदिर की सकली गलियों में से होकर काफी नीचे उतरने पर एक तालाब तक जाया जा सकता है, जो काफी पुराना है और इसमें काफी उम्र दराज लगभग 200 से 300 वर्ष के विशाल का कछुए निवास करते हैं। श्रद्धालु यहाँ इन्हें भोजन देकर कुछ पुण्य कमा सकते हैं। हालांकि देने वाले इतने हैं कि इनके खाने की कोई कमी नहीं है, और अगर इन्होंने आपके हाथों से कुछ खा लिया तब तो समझिए आप धन्य हो गए। माँ कामाख्या शक्तिपीठ में आप माता की असीमित ऊर्जा महसूस करेंगे। गर्भगृह में यह अनुभव और भी महसूस होगा, इतना कि कमजोर आत्मशक्ति वाले लोग इसे सहन करने में सक्षम नहीं रहे। माँ सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं, तो आप कब आ रहे हैं माँ कामाख्या देवी के दर्शन के लिए?